हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था और ये उसका पार्ट टू है। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड सारे टॉपिक का जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण की विशेषता के बारे में, शिक्षा के स्तर के बारे में, यानी कि एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर। तो शिक्षा को मुख्य रूप से तीन वर्गों में हम कह सकते हैं कि लेवल में बांटा गया है। पहला, जिसे हम कहते हैं हिंदी में स्मृति स्तर, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा होता है बौद्ध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है चिंतन स्तर, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो शिक्षा की ये तीन स्तर होते हैं। अब इसे समझते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ और आगे वीडियो में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो स्मृति स्तर में क्या होता है, इसमें कम से कम विचार होता है। यानी अगर किसी भी मैं एक पाठ अगर ले लूँ, एक चैप्टर ले लूँ कोई सा भी, तो इसके अंदर इस पाठ से संबंधित जो विचार होते हैं, विचार संबंधी बातें या डिस्कशन वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, ये सब नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ रटने पे बल दिया जाता है, इसमें कम से कम विचार किया जाता है, तो आप इतना समझ लें। दूसरा होता है बौद्धिक स्तर। इसमें क्या होता है, अगर कोई चैप्टर है या कोई विषय है तो उस पर बारीकी से चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है। तो इस कारण हम बौद्ध स्तर की शिक्षा को विचार युक्त शिक्षा भी कहते हैं। जबकि तीसरा जो स्तर होता है शिक्षा का, वो होता है चिंतन स्तर। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी पाठ के बारे में बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करते हैं और इस कारण हम इस अध्ययन को अति विचारयुक्त अध्ययन भी कहते हैं। तो ये तीन लेवल हो गए, स्मृति स्तर की शिक्षा, दूसरा बौद्ध स्तर की शिक्षा और तीसरी चिंतन स्तर की शिक्षा। और साधन भाषा में कहें तो स्मृति वाली, जिसमें जो है विषयों को रटा जाता है, बौद्ध स्तर वाली, जिसमें विषयों को समझा जाता है, और चिंतन स्तर वाली, जिसमें विषयों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, समझा भी जाता है, अध्ययन भी किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसे बारीकी से जानते हैं कि स्मृति स्तर में होता क्या है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसे शिक्षण का सबसे निचला स्तर कहा जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है और जो छात्र होते हैं, वो दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसे स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षण का कार्य होता है वो केवल स्मृति के सहारे टिका होता है। इसके संबंध में एक विद्वान रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, जिनका नाम है बिग्गी। बिग्गी का मानना है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य जो है वो ये होता है कि मात्र किसी भी विषय को रटना, किसी भी विषय को रटना, उन्होंने ऐसा इस बारे में कहा था। और तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो मुख्य रूप से महत्व नहीं रखती है और रटने पर आधारित होती है। अब बात करते हैं कक्षा के वातावरण की, कि सबसे पहले मैं इसका उद्देश्य बता दूं, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें उद्देश्य बस इतना ही होता है इस शिक्षा का कि ज्ञान को प्राप्त करना, और कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्मृति स्तर की जो शिक्षण होता है या शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य जो मुख्य रूप से होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ रटना, तो आपका आंसर ये सही होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कक्षा का वातावरण कैसा होता है, तो कक्षा का वातावरण जो होता है वो जो शिक्षक होता है वो कक्षा के वातावरण को अच्छे बनाने का प्रयास नहीं करता, याद रखें। इसमें कक्षा का वातावरण जो होता है वो शिक्षा के प्रति उतना अच्छा नहीं होता। और आपसे पूछे कि शिक्षक की भूमिका कैसी होती है इसमें, तो शिक्षक जो होता है वो हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमेशा शिक्षा को सफल बनाने का प्रयास करता है। तो शिक्षक की भूमिका इसमें कुछ इस प्रकार से रहती है। और इसमें जो विषय होते हैं, विषय वस्तु की प्रकृति की बात करें अगर हम,
तो इसमें विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को खास तौर पर उस पर फोकस किया जाता है और पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से छात्रों को के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है। जो शिक्षक होता है वो रुचि लेता है, लेकिन जो छात्र होते हैं वो शिक्षा के प्रति कोई रुचि इसमें नहीं लेते हैं। अब अगर हम बात करें छात्र की भूमिका की, तो वही आ गया जैसे मैंने आपको बताया कि अध्यापक की भूमिका की तुलना में जो छात्र होते हैं उनकी भूमिका इसमें काफ़ी निम्न होती है। जो विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं नहीं पढ़ना चाहते। एक ये लाइन दी गई है, इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि छात्रों की क्या मानसिकता होती है पढ़ाई के प्रति, कि मैं कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को एक मुख दर्शक की तरह बैठकर ग्रहण करता हूँ बस। तो इससे पता चल जाता है कि जो स्मृति स्तर की शिक्षा होती है वो क्या होती है। तो बस आप इतना याद रखें, इसमें इसे रटने वाली शिक्षा कहते हैं, और इसमें जो शिक्षक होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन छात्र जो होते हैं वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। क्या उद्देश्य होता है इसका? इसका उद्देश्य बस ज्ञान को इकट्ठा करना होता है, बस। अच्छा, दूसरे तरफ दूसरे स्तर की शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं बोध स्तर की शिक्षा। आप देख सकते हैं बोध स्तर की शिक्षा। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये जो शिक्षा का स्तर है ये इसमें स्मृति स्तर से थोड़ा सा ऊंचा होता है। इस स्तर में जो छात्र होता है वो मानसिक शक्ति के विकास पर अधिक बल देता दिया जाता है। इसमें छात्रों के मानसिक शक्ति के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, और किसी भी विषय को बारीकी से समझाने का प्रयास करता है एक शिक्षक। जहाँ पर स्मृति मर्स जैसे मैंने भी बताया था आपको, स्मृति स्तर की शिक्षा जो होती है इसमें केवल स्मृति पर आधारित होती है, यानी जितना आप याद करो उतना आपके लिए अच्छा है, और इसमें पूरा रट रट के पढ़ाया जाता है स्मृति स्तर में। जबकि अगर हम बात करें बोध स्तर की, तो इसमें रटने की बजाय किसी भी विषय को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, तभी जो छात्र होता है उसे और अच्छी तरह से सीखता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल जाएगा आपको बोध स्तर क्या होता है, बोध स्तर की शिक्षा कौन सी होती है। तो वह शिक्षा होती है जिसमें किसी भी विषय को बारीकी से समझाया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ विकसित करना। नियमों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ सारे पॉइंट्स, जो उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ विकसित करना। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है किसका? तो बौद्ध स्तर की शिक्षा का। अब इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो अध्यापक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट है छात्र की भूमिका क्या होती है इसमें? जो छात्र होता है वो अपनी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, सही भूमिका निभाता है, और ये प्रयास करता है कि वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें। जबकि स्मृति स्तर में मैंने आपको बताया था कि छात्र जो है वो शिक्षा में किसी प्रकार की रुचि नहीं लगते। अब कक्षा का वातावरण कैसे होता है बोध स्तर की शिक्षा में? कक्षा का जो तो वातावरण होता है वो अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है हमेशा शिक्षक के द्वारा। शिक्षक हमेशा ही प्रयास करता है कि लोगों का जो लोगों की जो इच्छा है पढ़ने की उसे साकार की जाए, उसको पूरा किया जाए, और इस कारण एक शिक्षक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करता है। और क्या तरीके अपनाता है? वो शिक्षा के लिए नए नए प्रकार के संसाधनों की सहायता लेता है, नई नई सामग्रियों का इस्तेमाल करता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। आधुनिक समय में भी जो शिक्षा होती है उसमें भी कई प्रकार के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़े लोगों के अंदर। तो इसी प्रकार की शिक्षा जो है वो कहलाती है बोध स्तर की शिक्षा। और इसमें परीक्षण मूल्यांकन भी होता है, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना उसे नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं विचारात्मक स्तर की शिक्षा, जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर की शिक्षा भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है? अब ये जो शिक्षा का स्तर होता है इसे सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस स्तर में जो छात्र होते हैं वो
अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं उन्हें, और वह स्वतंत्र रूप से अपना चिंतन मनन इत्यादि करते हैं। इसमें कोई विषय दे दिया जाता है और कुछ सिद्धांत दे दिए जाते हैं छात्रों को, और उनको उस विषय के ऊपर चिंतन करना होता है। विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विचारात्मक ज्ञान की श्रेणी में ही आता है, जिसमें वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं कुछ सिद्धांतों के नियमों के आधार पर, तो वो विचारात्मक स्तर की शिक्षा कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ ही उन्हें स्वतंत्र चिंतन मनन के अवसर प्रदान करना, एनालिसिस करना इसमें सिखाया जाता है उन्हें, किसी भी विषय के बारे में, उसके सकारात्मक का नकारात्मक सभी प्रभाव इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है इसमें। और मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्र के ज्ञान का विकास करना। शिक्षक की कैसी भूमिका होती है इसमें? शिक्षक जो होता है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम बात करें छात्र की, तो छात्र इसमें जो होते हैं वो काफ़ी रुचि लेते हैं इस प्रकार की शिक्षा में, और इस प्रकार की जो शिक्षा होती है ये पूरी तरह से छात्र केंद्रित होती है, छात्रों पर निर्भर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, इसमें अगर कक्षा के वातावरण की बात करें तो इसमें कक्षा का वातावरण जो है काफ़ी अच्छा होता है, चिंतन सृजनात्मक होता है, और समस्या अगर कोई भी होती है तो उसका निदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो शिक्षकों के द्वारा। परीक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था होती है इसमें, कितना ज्ञान प्राप्त किया है इन सब का जो है आकलन किया जाता है शिक्षक के द्वारा। अब बात करते हैं शिक्षण की विशेषता। 3 लेवल मैंने आपको बता दिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अब बात करते हैं शिक्षण की क्या विशेषता होती है। तो भाई शिक्षण की पहली विशेषता ये होती है कि ये मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होती है, ज्ञान प्राप्त करना, स्वतंत्र क्रिया जो है इसमें नहीं होती है, और शिक्षण के अंदर जो होता है कई क्रियाओं का मिश्रण भी शामिल होता है, और शिक्षण को एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं शिक्षण कला है, तो कई कहते हैं विज्ञान है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये कला एवं विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल है, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, और शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। तो ये सारी के सारी जो है विशेषता कहलाएगी शिक्षण की। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग राय जो है वो दी जाती रही है हमेशा से। ओके, सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं और क्या क्या इनकी विशेषता होती है। कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है इसके बारे में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।